स्कीम के पैर नंबर टू के मुताबिक जिस मुलाजिम की 5 साल या ज्यादा लेकिन 10 साल से कम मुलाजिमत हो, वो मुलाजिमत के हर साल के बस 1 माह की तनख्वाह यकमुश्त बतौर ग्रेजुटी का हकदार होगा। अगर ऐसा मुलाजिम दौरान मुलाजिमत फोत हो जाए तो ये रकम उसकी फैमिली को अदा की जाएगी। नोट 1, 1977 की तरमीम के मुताबिक मेडिकल रुजुआत की बिना पर रिटायर होने वाले या दौरान मुलाजमत फोत होने वाले मुलाजिम के लिए मुलाजमत के हर साल के इवज 1.5 माह की तनख्वाह मिलती है और इस रकम को कोई ज्यादा से ज्यादा की हद नहीं है। मिसाल के मुताबिक अगर सरकारी मुलाजिम की 5 साल सर्विस और उसकी बुनियादी तनख्वाह 20,000 रुपए हो तो नए रूल्स के मुताबिक उसको इस हिसाब से ग्रेजुटी दी जाएगी 1.5 × 5 ईयर × बेसिक पे। नोट 2 के मुताबिक 2008 की तरामीम के मुताबिक अगर कोई मुलाजिम किसी हादसा या जिलजिला या दहशत गर्दी की वजह से मुलाजमत जारी रखने के काबिल नहीं रहता तो उसे पेंशन के मुकम्मल फायदे मिलेंगे और कम से कम 10 साल मुलाजमत वाली शर्त का इतलाक नहीं होगा, यानी उन्हें माहाना पेंशन और ग्रेजुटी दी जाएगी।